हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी लूप। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आयरन मैन के एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर की टॉप 5 बेस्ट मूवीज को। इस वीडियो में हम आयरन मैन के किसी भी मूवी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग रॉबर्ट डाउनी जूनियर को आयरन मैन की वजह से ही जानते हैं और लगभग सभी ने ही आयरन मैन की मूवीज देखी हुई है। इसलिए हम इस वीडियो में रॉबर्ट डाउनी जूनियर की नॉन एमसीयू मूवीज के बारे में बात करेंगे। इनमें से मोस्ट ऑफ द मूवीज आपको हिंदी में ही देखने को मिल जाएगी। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट की 5th मूवी है डूलिटल। ये 2020 में एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी है, जिसमें कहानी दिखाई गई एक डॉक्टर की, जिसका नाम जॉन डूलिटल होता है। उसके पास एक बहुत ही अनोखी पावर होती है, जिसके जरिए वो जानवरों से बात कर सकता है। और अपने लाइफ में हुए एक बहुत बड़े हादसे की वजह से लोगों से दूर होकर अकेले में अपनी जिंदगी बिता रहा होता है। लेकिन फिर डॉक्टर डूलिटल के किंगडम की रानी को एक जानलेवा बीमारी हो जाती है। अब उसके इलाज के खोज के लिए डूलिटल को एक एडवेंचर पर निकलना होता है। अब इस एडवेंचर के दौरान डूलिटल के साथ क्या कुछ होता है और कहानी में आगे क्या होता है, ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को रेटिंग्स IMDb पर 5.6 की और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है ट्रॉपिक हंटर। ये 2008 में एक एक्शन वॉर कॉमेडी मूवी है। मूवी में कहानी दिखाई गई है कुछ एक्टर्स की, जिन्हें एक मूवी के लिए वॉर के सीन की शूटिंग करनी होती है, लेकिन गलती से वो शूटिंग की जगह असली वॉर जोन में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से ये सभी एक्टर्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब वॉर जोन में पहुंचने के बाद इन लोगों के साथ क्या कुछ होता है और वहां से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी में आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा, जो कि आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को रेटिंग्स IMDb पर 7.1 की और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है जोडिएक। ये 2007 में ये क्राइम थ्रिलर मूवी है। ये मूवी रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड है, जिसमें हमें कहानी देखने को मिलती है एक सीरियल किलर के बारे में, जिसका नाम जोडिएक होता है। वो एक बहुत ही अजीबोगरीब पैटर्न के साथ कुछ लोगों का मर्डर कर देता है, लेकिन वो अपने हर मर्डर के साथ कुछ ऐसे मैसेज छोड़ देता है जिसमें एक मिस्ट्री होती है, और अगर कोई उस मिस्ट्री को सोल्व कर लेता है तो वो जोडिएक किलर तक पहुंच जाएगा। मूवी में हमें कहानी दिखाई गई रॉबर्ट ग्रे स्मिथ नाम के एक बंदे की, जो किसी भी तरह से जोडिएक किलर तक पहुंचना चाहता है। अब उसे इसके लिए किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और क्या वो एंड में जोडिएक किलर को पकड़ पाता है, ये आप इस मूवी में देख सकते हो। ये एक बहुत ही मिस्ट्री मूवी है, तो अगर आपको मिस्ट्री मूवीज पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार जरूर देख सकते हो। इस मूवी को रेटिंग्स IMDb पर 7.7 की और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है द जज। ये 2014 में आई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसमें कहानी दिखाई गई है हैंक पावन नाम के एक बंदे की, जो कई सालों बाद अपने होम टाउन में वापस आता है, क्योंकि उसका फादर एक मर्डर केस का अक्यूज्ड होता है। हैंक पावन एक बहुत बड़ा लॉयर होता है, इसलिए अपने फादर के केस को खुद के हाथों में ले लेता है। अब इसके बाद फिर कहानी में आगे क्या होता है और क्या हैंक अपने फादर को बचा पाता है, ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को रेटिंग्स IMDb पर 7.4 की और मूवी आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है शेरलॉक होम्स। ये 2009 में आई एक एक्शन मिस्ट्री मूवी है, जिसमें कहानी दिखाई गई है शेरलॉक होम्स की, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिटेक्टिव होता है। वो अपने काम में इतना ज्यादा माहिर होता है कि किसी भी केस को बस देख के ही सुलझा सकता है। लेकिन एक दिन उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जब उसके सामने एक सीरियल किलर का केस आता है। अब आखिर उस सीरियल किलर के केस में ऐसा क्या खास होता है और क्या शेरलॉक होम्स उस केस को सोल्व कर पाता है, ये आप इस मूवी में देख सकते हो। शेरलॉक होम्स मूवी का एक सेकंड पार्ट भी है, जिसको आप फर्स्ट मूवी अच्छी लगने पर देख सकते हो। इस मूवी को रेटिंग्स IMDb पर 7.6 की और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट डाउनी जूनियर की कुछ बहुत ही शानदार हॉलीवुड मूवीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।